बीजेपी की सरकार बने इसके लिए इंद्रदत्त लखनपाल जी का यहां से विधायक बनना भी आवश्यक है। और मैं यही अपील करने के लिए आज आपके पास आया हूं। आप सौभाग्यशाली हैं कि अनुराग सिंह ठाकुर जैसा सांसद आपके पास है। एक वोट कैसे किसी क्षेत्र की तकदीर को बदल देता है, कैसे एम्स भी, ट्रिपल आईटी भी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी, अपने पूज्य पिता की तर्ज पर उन्होंने विकास का एक मॉडल हिमाचल को बनाया है। याद करिए, जब सर्वे प्रेम सिंह कुमार धूमल जी जब हिमाचल के चीफ मिनिस्टर थे, तब कोई सोचता नहीं था इस पहाड़ी राज्य में कि पानी पहुंचेगा हर घर हर गांव तक। उन्होंने उस समय यहां पर हर गांव हर घर तक पानी पहुंचाने का काम किया था। मैं पिछली बार सुन देख रहा था, बरसात के समय एक प्राकृतिक आपदा के कारण हिमाचल में काफी नुकसान हुआ। कारण था, यहां पर कांग्रेस नेतृत्व ने खूब दोहन किया। प्रेम कुमार धूमल जी ने इसी हिमाचल में नदियों को चैनलाइज करने का काम किया था। उस समय नदियों को चैनलाइज करने का काम किया था। अगर वही मॉडल आगे बना होता बहनों और भाइयों, तो यहां पर इस त्रासदी का सामना हिमाचल वासियों को नहीं करना होता। लेकिन बहनों और भाइयों, देर आए दुरुस्त आए, हमें फिर से हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। और मोदी जी के नौ रत्नों में से एक जो भारत के अंदर भारत का एक फेस है, विकास का एक फेस है, युवा ऊर्जा का फेस है, ऐसे हमीरपुर के सांसद और फिर से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अनुराग सिंह ठाकुर को भारी बहुमत से विजयी बनाना है। बनाएंगे ना? आज चुनाव प्रचार बंद होने जा रहा है, कल एक दिन का समय मिलेगा, परसों मतदान करना है। आप में से कितने लोग हैं जो आज सभा के बाद और कल सायंकाल तक का समय देश के लिए देने के इच्छुक हैं? पूरा हिमाचल ही देगा, क्योंकि हिमाचल तो वैसे भी देवभूमि है, वीरभूमि भी है। मेरी आपसे अपील होगी, और ये मोदी जी का संदेशा भी है, आप में से हर व्यक्ति 25-25 घर में जाकर के एक दिन का पूरा समय निकाल करके 25 घर में जाइए, प्रत्येक परिवार से कहिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए फिर एक बार मोदी सरकार बनाना है, इसके लिए अनुराग सिंह ठाकुर को लेके आना है, रिकॉर्ड वोटों से जिता के भेजना है। और साथ साथ हिमाचल प्रदेश के लिए यहां पे भी सरकार बने, इंद्रदत्त लखनपाल जी को भी कमल चुनाव चिन्ह पर चुनाव जिता के भेजना है। जिता के भेजेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अयोध्या कितने लोगों ने दर्शन किया है? अभी नई अयोध्या में रामलला के विराजमान होने के बाद, और मैं अनुराग जी से कहूंगा चुनाव के बाद कोई उपयुक्त समय निकाल करके इन लोगों को अयोध्या का दर्शन करवाइए, वहां की पूरी व्यवस्था फिर हम लोग देख लेंगे। करेंगे ना? सभी लोग सहमत हैं इधर? सभी लोग तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद सर। ये थे आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धे उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वचन। हम सब कार्यकर्ताओं को हम धन्यवादी हैं।